हेलो एवरीवन, मैं बिंदु हमारे चैनल बिंदु ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अभी फ्रेंड्स मेरा का सारा काम हो गया, नहा मैं बना रही हूँ खाना। खाने से पहले मैं बनाई थी पोहा, कन्हैया को उस नाश्ता देना था तो आज मैं पोहा बना दी हूँ। और बाबू का दूध यहाँ पे देखो थाली में रख के ना ठंडा कर रही हूँ, क्योंकि दूध उनका ज़्यादा गर्म हुआ है। अपना बंदूक लेके वहाँ बैठे, अभी कपड़े में धो के रखी हूँ ना, हमें डालने हैं। मशीन में कपड़े डाली थी कुछ, बहुत सारे थे तो अभी वही कन्हैया निकाल के डारे पे डाल दिए हैं। ये कपड़े में हाथ से धोए से डालना, और बाबू को नहलाए तो कपड़े भी धोने थे। हमें देखिए सरक रहे, और इनका दूध मैं पिलाऊंगी। अभी यहाँ पे मेरा पोहा मैं भी खाऊंगी। कन्हैया खा चुके थे, कन्हैया को हम पहले दे दिए थे कि कन्हैया खा लें और पूजा करके आना, तो मैंने उनको दे दिया था। गया है देखिए बाबू उड़ रहा है, भागो भागो। कहाँ भाग के जाओगे? हाय बोलो, कहाँ है छिपकली? हाय बोलो सबसे, हाय बोलो। बंदूक रख के आप लोगों से बाय का हाय कर रहे हैं, बाय भी कर रहे हैं। बंदूक रख दिए नीचे आप लोगों से बात करने के लिए। अब बाय लो, किसी भी दे दे रहे हैं। हाँ बस अब बोल रहे हैं ले लूं। चलिए हम भी ना बाबू को पिलाते हैं दूध, खाती हूँ मैं भी पोहा खा लेती हूँ, उसके बाद मैं बनाऊंगी मसाला चाय। कन्हैया को मैं चाय पूछी थी, कन्हैया चाय बना दो, बोले कि नहीं चाय मत बनाओ, रहने दो। और देखिए ना अपनी नोज पिन हम फिर से चेंज कर दिए, एक महीना हो गया था। बाबू खा लोगे आप? नहीं खा पाएंगे। चलिए हम बाबू को दूध पिलाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। रोटी और यहाँ आलू गोभी मटर बैंगन ये सब डाल के हम बना रहे हैं सब्जी। सब्जी भी हमारी हो गई है। चावल निकाल दिए हैं कन्हैया के लिए, चावल ठंडा होगा दाल में तड़का लगा के, तब मैं दाल भी कन्हैया एक हाथ से, मैं फिर मोबाइल एक हाथ से पकड़ के रखी हूँ। हमारी सब्जी हो गई, इसकी कढ़ाई में ना मैं कौड़ी से ना तड़का लगाऊँ। आज ना मैं मिक्स दाल बनाई हूँ, चना मटर अरहर और मूंग उड़द ये सब डालती हूँ, मसूर। हो गया खाना तैयार, आप लोग भी आ जाइए। दे दूँ मैं कन्हैया खा ले, कन्हैया को भूख लग रही है। कन्हैया पानी लाती हूँ। हमें ना अभी मार्केट भी जाना है, कुछ काम है मार्केट में। पानी पी दूँ, गोभी का अचार दिए कन्हैया? अचार उचार नहीं चाहिए कन्हैया ना, अचार उचार का शौकीन नहीं है। और सिर्फ थोड़ा सिरका पसंद है, और सिरका आया भी था नारा धारी, इनकी बहन दी हुई थी लाने के लिए, लेकिन ये घर पे छोड़ के आए हैं। और नहीं तो सिरका हमारी अम्मा की दी हैं बहुत। चलिए हम भी खा लेते हैं खाना। अभी ये सब देखिए कितना मिसी हुआ है, अभी ये सब हमको सही करना है। खाना खा लेते हैं, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। सो फ्रेंड्स मैं गई थी मार्केट, जस्ट अभी आई हूँ। रुद्र को ना छोड़िए गई थी, और मेरा मोबाइल भी नहीं लेके गई थी, नहीं तो आप लोगों को दिखाते। आज फ्राइडे फ्राइडे ना कन्हैया, आज फ्राइडे मार्केट था। मैं जैसे थी ना घर पे ऐसे चली गई, सिर्फ दुपट्टा ले लिया, चेंज भी नहीं की। कन्हैया बोले चलो ठीक लग रहा है, और हाँ अब तुम्हारे लिए है बेटा, तुम्हारे लिए है। सृष्टि के लिए कुछ लिए, अपने लिए भी कुछ लिए। हाँ ये तो मेरा है, ये मेरा है, ये हम पहले खोल रही हैं। ये देखिए लाइट ऑन कर दो तब देखिएगा। पता है ना रुद्र सो गए थे,
एक बार ये लोग फोन किए मम्मी जल्दी आइए, क्यूटी पाई इनकी, ये बोले मम्मी रौद्र रो रहा है जल्दी से आ जाइए। मैं खरीद रही थी उस समय, मैं बोली उसको शांत करो मैं भी आती हूँ, अभी ना सो गया। वही कन्हैया बोल रहे थे कि बच्चों का फ़ोन नहीं आया दोपहर, मैं बोली रुद्र सो गया होगा ना इसलिए उन लोगों ने फ़ोन नहीं किया। मत खराब करो बेटा, ऐसे गंदा हाथ नहीं लगाते उस पर ना। ये देखिए ये ना मेरे पास वो डब्बा ना, नहीं बोल रहे हैं 5 किलो डब्बा, हमें ना ये 2 डब्बा लिए, खोलो खोलो, धनिया की पत्ती दबी ना इसमें इसलिए नहीं खुल रही होगी। डब्बा हम लिए ना ये धनिया उसी में रख दिए थे, 2 गांठ धनिया लिए थे। ये मेरा डब्बा, 2 डब्बा ले लिए बेटा। और ये किए, ये डब्बा लिए बेटी का ना, इतना ज़्यादा सामान है मेकअप का, खेलने कूदने का इनका। और ये लिपस्टिक ले लिए अपने लिए, अच्छी लग रही थी तो ले लिए। ये डब्बा छोटी का सारा सामान रखने के लिए। ये ना मैं 2 महीने से परेशान हूँ, मेरे पास ना डारा मेरा बालकनी में ना सारा टूट गया है। ये रस्सी ना हम ले लिए आज 15 मीटर है कहीं ना, 15 मीटर क्या 17 मीटर है, ये 17 मीटर हम रस्सी लिए डारा बनाने के लिए। सबसे ज़्यादा ये आज जो मतलब इतने 2-3 महीने से जिसका इंतजार था आज, और ये रस्सी ले लिए। जब भी मार्केट में जाती थी, ये आगे रोड पे भी हार्ट मार्ट है, वो कभी मतलब सोचती थी ना आज जाऊंगी, अब तब मैं नहीं ले पा रही थी मैं, तो फाइनली आज हमारी रस्सी आ गई। आज मेरा डारा भी बन जाएगा, सब बहुत हमें खुशी है कि मेरा डारा हो जाएगा। कपड़े के लिए ना बड़ी सासत होती है, डारा नहीं है, टूट गया है, सिर्फ 2-3 डारा बचा है मेरा, जहाँ 8 डारा रहता है सोचो 2-3 डारा बचा है सिर्फ, बहुत दिक्कत होती थी, आज मेरा डारा बन जाएगा। ये गोभी लिए तो ये हम सूप ले लिए, ये और ये एक घाघरा ले लिए। अभी ये घाघरा मैं पहनी भी हूँ, ये घाघरा हमें बहुत अच्छा लगा। कन्हैया गए थे ना सब थैली ले लें डिग्गी से, तो ये आए तो मैं बोल रही अच्छा लग रहा है क्या, कहना हाँ अच्छा लग रहा है। एक और था वहाँ पे ना हल्का फेबरी पिंक था, वो भी अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं सोची ये बोले तो रहे थे ये आपका आपको हो जाएगा, पहले मैं ट्राई करूँगी ये हमको आता है कि नहीं आता है, फिर अगर ये आ गया ना तो फिर मैं जाऊँगी वो भी लूँगी। ये घाघरा मेरा हो गया। अभी ये जो पहने हैं ना ये हम डीमार्ट से लिए थे, ये वाला ये घाघरा मेरा डीमार्ट से, हमें बहुत अच्छा लगता है ये। और ये देखिए ये हम सृष्टि के लिए लिए हैं, बहुत अच्छा लग रहा था, कन्हैया को बोले कि ये छोटी के लिए ले लो, ये है छोटी का एक, ये कन्हैया का, कन्हैया के लिए 2 रुमाल, उनका रुमाल जो है ना ट्रेन में छूट गया, अभी ये सिवा निकाल रहा है। ये देखिए एक और है छोटी के लिए, देखिए कार्गो जैसा है एक, ये भी है छोटी के लिए पैंट। और ये सब बाबू का खाने का पास्ता, आज हमने ऐसे मार्केट से इसके लिए, नहीं तो मैं डीमार्ट से लेती हूँ। ये भी रुद्र के लिए, रुद्र को ये सब अच्छा लगता है ना, शंख शंख है ना कन्हैया, शंख वाला है ये, हाँ ये किए ना अपने लिए, इयर रिंग लिए हम, हमें अच्छा लग रहा था। कभी कभी साड़ी डालती हूँ ना तो कभी कभी के लिए हम ये लिए हैं। रखो पास्ता मसाला है, आज की हो गई खरीदारी। कन्हैया बोले जब जाती हूँ तो चूना लगा देती हूँ, पसीने आ गए हैं। अभी हमारा ये हो गया, चले मैं डारा बनाऊंगी पहले। अभी ये देखिए बन रहा है मेरा डारा, वाचमैन भैया पूछ रहे हैं क्या हो रहा कपड़े डालने के लिए थोड़ा। हाँ ना ना एक्चुअली थोड़ा कपड़ा सुखाने के लिए। क्या क्या करे देखिए मेरा डारा बन रहा है बालकनी। अभी कन्हैया ना चढ़े हैं ग्रिल पे, ये देखिए 5 डारा ऐसे बना, 1-2-3-4-5 इधर बन गया और 2 डारा इधर बनवा दिए हम कन्हैया से। अभी जितना समस्या हो रहा था कपड़े का ना, आज 3 महीने बाद समझ लीजिए मेरा डारा बना है। बहुत दिक्कत हो रही डारा की, हमें ना बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो रही थी कपड़े फैलाने के लिए, आज कन्हैया पूरा कर दिए। 3 महीने से ये काम रुका था। चलिए हम बनाते हैं अभी खाना थोड़ा देर में,
अभी तो क्या टाइम हो रहा है, 6:30 बज गए हैं। ये देखिए अभी कन्हैया से ना हम बल्ब जो है ना यहाँ से निकाल के ना यहाँ बालकनी का डोर होता है ना यहाँ पे हम लगवा दिए हैं। अभी मैसेज भी आ रहा है किसी का यहाँ पे, फिर भी ना मेरे कढ़ाई में नहीं दिख रहा लाइट यहाँ पे ऐसी है ना कि किसी भी तरफ करो नहीं दिखता। अभी ना एक बल्ब ना मैं फिर से कन्हैया से बोलूँगी यहाँ पे ला के लगा दे, तो दो लाइट जलेगी ना तो किचन में हमारे दिखेगा अच्छे से। देखिए मेरा तेल हो गया है गर्म, अब इसमें ना मैं डालूँगी बैगन, इसी में मैं डालूँगी गोभी और उसी के साथ ना लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्च ये मैं कूट के रखी ना ये भी ना मैं उसी में डाल दूँगी। थोड़ी सी हल्दी भी डाल देती हूँ इसके में और हल्दी धनिया पाउडर डाल दूँगी। यहाँ पे हमारी आलू ये सारी सब्जी पक गई, इसमें डाल दूँ मैं गरम मसाला आधा चम्मच, थोड़ा सा सब्जी मसाला, उसी के साथ ना मैं डाल दूँगी यहाँ पे हरी मटर थोड़ी सी। अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा पानी, धनिया की पत्ती डाल दिए हैं। अब मैं इसमें ना टमाटर भी डालूँगी, मैं दो बड़े साइज में टमाटर। ये देखिए यहाँ पे ना मैं अपनी रोटी भी बना रही हूँ। देखिए हमारी सब्जी बन के है तैयार। अब मैं निकालूँगी ना सबके लिए खाना, ये है आलू मटर गोभी बैंगन की सब्जी। अच्छे से किचन में दिख नहीं रही है सब्जी हमारी ना बहुत अच्छी बनी है। चलिए कन्हैया को देते हैं खाना बच्चे। हाँ मैं भी आ रही हूँ, कन्हैया बोल रहे हैं तुम भी आ जाओ। ये एक रोटी ना मैं अपने लिए एकदम मतलब बोलते ना जला के बनाई हूँ एकदम। मैं ना चूल्हे पे ना मैं बनाती थी एकदम पापड़ी जैसा, और मेरे पापा को और मेरे ससुर जी को बहुत पसंद है, कन्हैया भी खाते हैं। लेकिन आज एक रोटी बनाया है इसे हम और कन्हैया खाएंगे दोनों। ये चूल्हे पर की ना ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखिए रात को बज रहे हैं 10:30 और रुद्र को ना खाना है पास्ता, खाएंगे नहीं लेकिन आप लोगों को तो पता है कितना ये फैलाते हैं, लेकिन बस बना के देना है। अब ये जो चिप्स फ्लाई थे ना हम शॉर्ट ब्रेक लिए ना बच्चों का तैयारी कर रहे थे। ये देखिए ये पास्ता है ना, ये पास्ता शॉर्ट ब्रेक लिए मैं उबाल के ना रखूँगी सुबह से फ्राई करने के लिए, इसीलिए ना ये कब से रो रहे हैं कि हमें बना के अभी दे दो। और ये देखो जो ये पास्ता मैं लाई थी ना ये इतने बड़े बड़े हुए हैं, ये शंख जैसे थे इतने। ज़रा सा मैं तेल डाली हूँ इसमें सिर्फ 2 चम्मच। अभी मैं दूध रखी थी उबलने के लिए, मेरा गैस साफ़ हो गया, बर्तन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इनकी जिद ऐसी है। अभी ये हो गया, इसमें मैं फिर से ना अपना दूध रखूँगी उबलने के लिए। अभी ये देखिए इनका ये सब तैयार है, बस इतना दो। और पता है क्या क्या लेके मांग रहे हैं किसमें दे दो, ये केक का स्टैंड है ना बनाने का, ये तोड़ डाले हैं और यही लेके ना कब से खड़े हैं, दे दो अभी। ये लो अभी देखो चिप्स ना और खोल रहे हैं, अब नहीं बनाऊंगी मैं ठीक है, इतना खाओ चलो। खाएगा नहीं लड़का, बस परेशान करता है रात को 10:30 बजे, और मेरे दोनों बच्चे ना सो गए हैं बेचारे। ये देखो जा रहे हैं सोफा पे, चलो बेडरूम में जाओ। अभी मेरा दूध उबल जाए और ये पास्ता हो गया है लगभग, इसे ना मैं छान के रख दूंगी, सुबह बस फ्राई करना। ये सुबह से शाम तक का काम भाग दौड़। ये चाय पीने के लिए दोनों बच्चों के लिए ग्लास निकाल के रखे स्टैंड से ताकि खटके ना आप लोग देख सकते हैं, और ये चिमटा मैं ना यहाँ पे निकाल के रखी हूँ ताकि ऐसे मैं रात सुबह उठूँ ना निकाल लूँ, और आधी उधी कद्दूकस कर लहसुन कद्दूकस करने के लिए इसमें से टाइम ऐसे उठा लूँ खटके ना। ये बेलन भी मेरा ऊपर है, ये चौका भी मेरा ऊपर है, तवा यहाँ पे रखे हैं, एक दूसरे से बर्तन टकराए ना बाबू ना उठे, इतना बचा बचा के करना पड़ता है। अभी देखिए ये टोपा मैं कहाँ रखी थी, बाबू कहाँ रख दिया ला के। ये सब सामान सही है ये देखने के लिए, देखिए परेशान है। अभी ना 11 बजने में रात को 5 मिनट सिर्फ बाकी है, मैं इनको पिला रही दूध, मेरा दूध उबल गया, एक बड़ा सा बाउल लिया उसमें पानी भर के रख। अभी देखिए इनको
क्या हुआ? रखती है ना, दूध ठंडा हो जाएगा ना तो उसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। अभी इनका तेल मालिश करके ना, तो क्या देखिए ये, अब ये ना ऐसे राउंड लगाऊंगे लगाएंगे। हाँ बोल, मैं दूंगी बोली। हाँ ठीक से क्या बाय बोलो सबसे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग के साथ ही हम इस ब्लॉग के साथ ही हम इस वीडियो यहीं पे करते एंड। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को किसी दे रहे हैं, बाय करो बाबू। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। ओ भी ये भी।